भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। जमगढ़ जिले के महाराजगंज थाने की पुलिस ने गुरुवार की देर रात क्षेत्र के खोजापुर पैकोली मार्ग पर डकैती की योजना बना रहे आधा दर्जन बदमाशों को धर दबोचा। पकड़े गए अपराधियों के कब्जे से पुलिस ने 3 बाइक व 2 अवैध असलहे बरामद किए हैं। घेराबंदी के दौरान 2 अन्य बदमाश मौके से भागने में सफल रहे। महाराजगंज थाना प्रभारी गजानंद चौबे अपने सहयोगियों के साथ गुरुवार की रात स्थानीय कस्बे में मौजूद थे। इसी दौरान उन्हें सूचना मिली कि खोजापुर गेट से पूर्व पैकौली जाने वाले खड़ंजा मार्ग पर साहिबगंज की ओर जाने वाली पक्की सड़क पर 8 की संख्या में मौजूद अपराधी क्षेत्र में कहीं डकैती की योजना बना रहे हैं। सटीक सूचना मिलने पर सक्रिय हुई पुलिस ने देर रात करीब 11:30 बताए गए स्थान पर पहुंचकर वहां मौजूद लोगों की घेराबंदी शुरू कर दी। उन्हें देख वहां मौजूद बदमाश पुलिस पर फायर करते हुए भागने लगे। इस दौरान आधा दर्जन बदमाश पुलिस के हाथों लगे, जबकि 2 अन्य झाड़ियों का लाभ उठाते हुए रात के अंधेरे में भागने में कामयाब रहे। पुलिस ने मौके से 3 बाइक को पकड़े गए बदमाशों की तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 315 बोर के 2 तमंचे व कारतूस बरामद किए। पकड़े गए बदमाशों ने जनपद के विभिन्न स्थानों पर लूट की वारदात को अंजाम देने की बात कबूल लिया है। गिरफ्तार किए गए अपराधियों में कृष्णा उर्फ गुलशन पुत्र वंश बहादुर ग्राम हुसेपुर, राम अचल उर्फ कल्लू यादव पुत्र खदेरू ग्राम हमीरपुर, प्रदीप वर्मा पुत्र स्वर्गीय रामचंद्र ग्राम मिसुलपुर, अजीत सिंह पुत्र गुड्डू सिंह ग्राम भैरोदासपुर थाना क्षेत्र महाराजगंज व राजनाथ सिंह पुत्र संजय सिंह व कौशिक सिंह पुत्र अखिलेश सिंह ग्राम अनिरुद्धपुर थाना अखंड नगर जनपद सुल्तानपुर के निवासी बताए गए हैं। इस मामले में पुलिस को मौके से फरार हुए स्थानीय दशरथ पट्टी ग्राम अमन सिंह पुत्र स्वर्गीय दुर्विजय सिंह व ग्राम चकनायक निवासी दीपक पुत्र शिवपूजन की तलाश है। देखिए, महाराजगंज थाना क्षेत्र में लूट की योजना बनाते हुए पुलिस मुठभेड़ में 6 शातिर अपराधी पकड़े गए हैं। ये सभी लुटेरे हैं, लूट की घटनाएं क्या करते थे। इनके पास से 2 तमंचे, 3 मोटरसाइकिल और खोखा कारतूस और भरे हुए कारतूस इनके पास से बरामद हुए हैं। इनके द्वारा कुछ दिनों पूर्व कप्तानगंज क्षेत्र से एक मोटरसाइकिल की लूट की गई थी और वो मोटरसाइकिल इनके द्वारा ये बताया गया कि वो जो 2 फरार अभियुक्त हैं दीपक अमन उनके पास है। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा ये भी बताया गया कि इनके द्वारा आसपास के जनपदों में भी छोटी मोटी लूट की घटनाएं की गई हैं। 4 पकड़े गए 4 अभियुक्तों में से 4 हमारे यहाँ के हैं और 2 सुल्तानपुर जनपद के हैं। नेटवर्क पे भी और कुछ काम हो रहा है? हाँ, अभी तो 2 फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास हो रहा है और उसके बाद जब वो दोनों बदमाश जो फरार हैं वो पूरा गिरोह का संचालन करते हैं, जब वो पकड़े जाएंगे तो निश्चित रूप से और जो घटनाएं हैं वो खुलेंगी। इसके अतिरिक्त ये पूरा गैंग नया है, जो पकड़े गए लड़के हैं ये नए लड़के, इसमें भर्ती कुछ लोग पुराने और नए भर्ती लड़के हैं गैंग के। तो इस तरह से जो नवयुवक हैं उन्हें लूट में धकेलने का काम जो फरार अभियुक्त हैं उनके द्वारा किया गया था, उन पकड़ने के बाद सभी चीज़ें और साफ होंगी। ठीक है सर, महाराजगंज थाना क्षेत्र में फांसी शिक्षक